कि देखिए, महुआ मोइत्रा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि 38-40 फीसदी वोट पर ही तो देश की आपकी सरकार चल रही है। अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो वाकई आपके लिए खतरा है। अगर बड़े बड़े राज्यों में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला विपक्ष का हो गया तो आप फंस सकते हैं। 224 सीटों पे हमारा 50% से ऊपर वोट है, उनसे पूछे कितने पे सरकार चल रही है बंगाल में, 46% वोट पे। राजीव गांधी जी 400 की मेजोरिटी जब लाए थे कितना वोट था, 42-43% वोट। और इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी तक साहब 35-36% वोट पे सरकार चल। ये बचकाने तर्क नहीं देने चाहिए। और अभी जैसे कि दुबे जी बोले, इन्होंने कहा कि किसकी सरकार होगी वक्त बताएगा, तो इनकी ख्यालों ख्वाबों में जो सरकार है वो किसकी सरकार होगी नाम नहीं बता पाएंगे। और डरे हुए की बात पूरे देश की जनता जानती है, समाज का हर व्यक्ति जानता है, डरा हुआ वो होता जो अपना नाम बदलता है, जो अपनी आइडेंटिटी बदलता है, जो अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगाता है। चूंकि यूपीए के कुकर्म इतने हो गए थे कि आज अभी जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने कही दिया, हाँ वो था अब इंडिया है, तो प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा, मतलब कहिए ना कि उसका अंतिम संस्कार हो गया, क्रियाक्रम कर दिया उसका। अंजना जी, तो ये बात आपको ईमानदारी से कहनी चाहिए। अब दूसरी बात, वाकई 24 का चुनावी भाषण था सुधांशु जी, एक मिनट सुधांशु जी, क्या ये वाकई 24 का चुनावी भाषण था? हम ये बात कहना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, समग्रता में सरकार के खिलाफ अविश्वास होता है। तभी तो मैंने कहा यदि इनको मणिपुर विषयक था तो सरकार तैयार थी 176 पे, क्यों नहीं तैयार हो रहे थे, 267 पे भी तैयार थे राज्यसभा में बात करने के लिए, और मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं ला रहे थे। जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाए तो अविश्वास प्रस्ताव आप केंद्र की सरकार के विरुद्ध लाए। दूसरा, आपके लोगों ने क्या सिर्फ मणिपुर में बोला, मैं चुनौती से पूछता हूं, क्या सिर्फ मणिपुर में बोला? नहीं, सवाल आप सारे करेंगे और जवाब दे तो आप कहेंगे नहीं सर जवाब क्यों दिया आपने, ये तो बड़ी बात है। और एक बात और कह, सुनिए एक मिनट, इन्होंने अभी बोला कि दल उधर से इधर आ जाएंगे। अंजना जी, अभी तक की जो हालत है, उपेंद्र कुशवाहा जी उधर से इधर आ चुके हैं और जीतन राम मांझी जी उधर से इधर आ चुके हैं, पता नहीं कौन से ख्वाब में बैठे हुए हैं। पटना में पहली बैठक की है और इनका पुल तो टूटे गया पटना में, और मांझी भी छात छोड़ के चला गया, अब पता नहीं कैसे सोच रहे हैं भैया कि नहीं कैसे पार लगे, समझ में नहीं आ रहा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 28% वोट मिला, शिवसेना को 19% वोट मिला, और आज की स्थिति ऐसी है कि 2019 में जब आप 48 में पर आप आकर सिमट रहे हैं, पश्चिम बंगाल बिहार में आपकी स्थिति दयनीय है, कर्नाटका में 28 में से 10 भी आने की स्थिति नहीं है, आप सिमट गए, बिल्कुल सिमट गए, बिल्कुल सिमट। महाराष्ट्र में आपके पास 10 सीट भी नहीं आने जा रही 24 में, तो आने नहीं जा रही है, हारने जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जब आप अपने मित्रों के साथ थे तब आपकी हरियाली आई थी, आज सूखा पड़ा है साहब, आपके पास कुछ नहीं है, आप 220-210 के पास सिमट गए। मित्र थे तब हरियाली थी, शिवसेना थी, पूरा सब एक साथ थे, ऐसा कई राज्यों में था 2014 और 2019 में जितनी ये सीटें हमको मैक्सिमम देने को तैयार है उससे ज्यादा सीटें हमने अकेले जीती थी। हम मित्र के साथ रह के बड़े हुए क्या अलग रह के, वो तो हकीकत है कि हमने साथ दिया था, हम उस समय कितनी बड़ी पार्टी थे, आप सिर्फ महाराष्ट्र की पार्टी थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा साथ दिया था। जनता दल यू क्या था मैं बताना चाहता हूं, सत्ता पार्टी 7 सीट, भारतीय जनता पार्टी 42 और पूरे लालू प्रसाद यादव के 15 साल नेता प्रतिपक्ष किसका, भाजपा का। पहली बार जब नीतीश कुमार जी शपथ लिए 99 में, ज्यादा विधायक किसके, भाजपा के। हमने सेक्रीफाइस किया है। अभी मैं बताना चाहता हूं, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां आज आपकी सरकार है, हमारा आपका गठबंधन था सिर्फ आपकी 2 सीटें ज्यादा थी, मगर हमने कहा ठीक है जिसकी सीटें ज्यादा आ गई उसका मेयर बनेगा। ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में जब आप 177 लड़ते थे और हम 117 लड़ते थे तब भी ये तय था जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसका सीएम बनेगा। हम आपसे लगभग दुगनी सीटें आए, उसके बाद आप अपनी बात से पलट गए, बाला साहब ठाकरे के वचन से पलट गए। इतिहास में जाएंगे सुधांशु भैया तो आपको अच्छे से पता है कि महाराष्ट्र में हमेशा शिवसेना बड़ा भाई रही और पूरे देश में हमने आपको बड़े भाई का दर्जा दिया, वो केवल इसलिए कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी और गोपीनाथ मुंडे जी हमेशा बाला साहब ठाकरे जी के प्रति स्नेह और प्यार और आदर की भावना रखते थे, लेकिन जब से 2014 से अहंकार के पराकाष्ठा आपने पार कर दी है, आपकी वो स्थिति अब देश में कहीं नहीं रही। जवाब सुन लीजिए, फिर आलोक जी को बोल लेते हैं। दो लाइन दुबे जी। देखिए बिल्कुल सही बात है, हमने बड़ा भाई माना था, परंतु उसके बावजूद जिस दिन हम अलग हुए तब बड़ा कौन हुआ, हम या आप? और दूसरा, हमने कितनी ईमानदारी से निभाया, मनोहर जोशी जी लोकसभा अध्यक्ष रहे,
उस शिवसेना के जिसके केवल 14 या 15 सांसद थे, बताइए। बताइए कोई ऐसी पार्टी जिसके 14 या 15 सांसद हो और लोकसभा अध्यक्ष हमने दिया, किसने? उस भारतीय जनता पार्टी जिसके 183 सांसद थे। आपको सीखा, आपको अपनी मेहनत से उतना मजबूत बनाया कि आपको मजबूर होना पड़ा, इसलिए आपने दिया। आपने खुशी में नहीं दिया, आपको मजबूर होना पड़ा। आपको पता था कि शिवसेना की ताकत क्या है, बिना इनके हम असफल है, बिना इनके अधूरे, इसलिए आपने हमको अध्यक्ष अपनी पार्टी, अपना निशान, सब कुछ चला गया है और कोई कारण नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है, जब तक बाला साहब ठाकरे जी थे और भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी को परिवार मानते हैं, ये परिवार को पार्टी मानने लगे। अंतर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी बोलने लायक नहीं। आप लोग तय कर लीजिए, बिल्कुल बोलने लायक नहीं। आलोक जी आप तय कर लीजिए, आप ही के साथी हैं, बिल्कुल बोलने लायक नहीं। आप लोग साथी हैं, नहीं कर तय नहीं कर पाएंगे। आलोक जी को बोलने दीजिए। देखिए बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है, बुलवाएंगे तो कहां से सुनवाएंगे? अरे जी वर्सेस वाले तो बुलवाएंगे सर। अब जवाब और बाला साहब ठाकरे जी ये बोल, एक मिनट पूरी बात करो। बाला साहब ठाकरे जी ये बोल रहे थे, मैं जब चाहूं तो उद्धव राज को मंत्री बना सकता हूं, मगर नहीं, ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं जाएगा। ये थी बाला साहब ठाकरे जी की। जब आपने पीठ पे छुरा भोंका, बंद कमरे की, मातोश्री को मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में कही गई बातों को यदि आप मुकर जाएंगे, आप हमें धोखा देंगे, तो आपके साथ हम वही करेंगे जो उस समय उचित नीति और न्याय हमें ज्ञान देगी। हमने एक नारा बताइए, वही हमने लगाया। चलिए कंबाइंड रैली छोड़िए, शिवसेना की रैली में कम नारा लगाता उद्धव ठाकरे। हर जगह बाला साहब ठाकरे जी के फोटो और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संयुक्त फोटो पर ये शिवसेना की किसी रैली में नहीं खा दो भाई।